आप सभी लोग का इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम की कि MS वर्ड प्रोग्राम में काम कैसे किया जाता है। किसी भी प्रकार के सरकारी जॉब करते हैं या आप प्राइवेट जॉब करते हैं, यदि आप कंप्यूटर पर काम कर रहे होंगे तो आपको यह प्रोग्राम उस कंप्यूटर में ज़रूर देखने को मिलता होगा। हम इस वीडियो में आपको MS वर्ड के होम टैब को पूरा A to Z, उसके जितने भी ऑप्शंस होते हैं उस ऑप्शन को बताएंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और यदि आपको वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न होते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, हम उसका पूरा कोशिश करेंगे कि उसका उत्तर दिया जाए। और यदि आपको वीडियो से संबंधित कोई सुझाव है तो उस सुझाव को भी डालें, हम कोशिश करेंगे कि आपके उस सुझाव पर ही काम करें। तो हम लोग आइए देखते हैं MS वर्ड के इस होम टैब के सभी ऑप्शंस को। तो इस स्क्रीन पर चलते हैं और इस स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं कि MS वर्ड में होम टैब कैसे यूज किया जाता है। तो आइए चलते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के मॉनिटर पर और हम यहाँ पर अपने MS वर्ड को ओपन करेंगे और उसमें हम होम टैब का कंप्लीट ऑप्शन सीख लेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम अपने MS वर्ड को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए दोबारा मैं वही की प्रक्रिया अपना रहा हूँ, विंडो के साथ R दबाया, विन वर्ड लिखा हुआ चुकी है हमारा। अब मैं यहाँ पे ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो ये हमारा MS वर्ड खुल के आ चुका है। तो MS वर्ड में यहाँ से हम लोग पहले भी हम इसके विंडो के डिस्क्रिप्शन में आपको बताए थे कि जब मैंने विंडो बताया था तो ये जूम स्लाइडर से हम अपने इस डॉक्यूमेंट के पेज की जो जूम साइज है उसको यहाँ से इंक्रीज यानी बढ़ा सकता हूँ और घटा सकता हूँ। तो मैंने जूम साइज को अपना रखा है 140% पे, जो मुझे बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हम इसमें शुरू करते हैं होम टैब। तो होम टैब बेसिकली हम आपको बता देते हैं कि होम टैब का जो उपयोग है हमारे MS वर्ड में वो होता है एडिटिंग और फॉर्मेटिंग, यानी हम बदलाव के लिए और अक्षर पर सजावट के लिए उपयोग करते हैं होम टैब का। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन हमारा दिया गया है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, फॉर्मेट पेंटर है। तो मैं एक एक से शुरुआत करता हूँ। तो अगर हमें कट या कॉपी करना है तो सबसे पहले हमारे इस पेज में लिखा होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर, आप देख सकते हैं मैंने ये 3 लाइनें लिख दी हैं। या मैं यहाँ से, चलिए अभी मैं क्या करता हूँ कि ये हमारे 3 लाइनें लिख चुकी हैं यानी लिखा हुआ है। तो इन 3 लाइनों पर हम कुछ ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर कट अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और अब सेलेक्ट होने के बाद आप देख पा रहे होंगे कट ऑप्शन हमारा हाईलाइट हो चुका है। तो कट का मतलब होता है काटना, यानी हम इसमें से कुछ काट करके निकालना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम पहला लाइन का यानी रुधौली इसमें से हटाना चाहते हैं, तो मैंने सेलेक्ट किया और ये कट हो गया, अभी हमारा उसमें रुधौली नहीं है। अब आप चाह रहे हैं कि ये जो पहले ऊपर की लाइन है ये हमारी नीचे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे और वहां से आप देख सकते हैं हट चुका है। अब मुझे यहाँ पे लाना है तो कर्सर यहाँ ले आएंगे, उसके बाद इजली यहाँ पे हम जाके पेस्ट पर क्लिक करेंगे। तो हमने जान लिया कट, यानी कट का उपयोग होता है या तो डॉक्यूमेंट से काट के उस चीज को निकाल लेना या उसका स्थान बदल देना। यानी कट का उपयोग किसी चीज को डॉक्यूमेंट से हटाना हो या उसका स्थान बदलना हो जाए तो हम लोग कट और पेस्ट का उपयोग कर लेंगे। कॉपी है, जैसे अभी हम देख पा रहे होंगे ये हमारा 3 लाइन लिखा हुआ है, मुझे इसे 6 लाइन में करना है, यानी मैं यही चीज 2-3 बार और लिखना चाहता हूँ। तो हम लिखेंगे नहीं, हम कॉपी करेंगे। तो हमने पूरा कर लिया इसको सेलेक्ट। अब ये सेलेक्ट होने के बाद हम क्लिक करेंगे कॉपी पर। तो जब हम यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे तो होता क्या है दोस्तों कि ये हमारा कॉपी बन चुका है। अब मैं कर्सर को यहाँ पे बाहर क्लिक करूंगा और जितनी बार यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करूंगा उतनी बार हमारा ये रिपीट होता रहेगा। तो देख सकते हैं कि मैंने लिखा केवल 3 लाइनें थी और अब आ चुकी हैं 9 लाइनें टोटल। तो यानी ये हमने किससे किया, कॉपी से और पेस्ट से। पेस्ट एक्चुअली करता क्या है कि जो चीजें हम लोग कट करते हैं या कॉपी करते हैं वही चीज क्या करता है कि हमारे अक्षर को रिपीट करता है। यानी अगर हमने कोई चीज कॉपी किया और मुझे वही चीज बार बार रिपीट करना है तो हम किसके से करेंगे, पेस्ट के थ्रू करेंगे। तो ये होता है हमारा पेस्ट। तो इसके शॉर्टकट्स भी होते हैं, शॉर्टकट्स से भी आप लोग कर सकते हैं।
कट का शॉर्टकट्स होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कट का शॉर्टकट्स होता है, और मैंने शॉर्टकट का एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, तो हम आपके इस वीडियो में वो शॉर्टकट्स का डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो दे देंगे, आप वहाँ से भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो कट का होता है यहाँ पे CTRL के साथ यानी कंट्रोल, और आपको प्लस करके दबाना रहेगा एक्स, तो इससे हो जाएगा कट। और कॉपी की अगर जो हम बात करें तो कॉपी का शॉर्टकट्स होता है यानी कॉपी का हो जाएगा यहाँ पे CTRL प्लस सी। हम लोग पेस्ट की बात करें अगर तो पेस्ट का शॉर्टकट्स होता है CTRL, उसके साथ में हमें दबाना होगा वी। तो ये हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला हमारा है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर की अगर जो हम बात करें तो फॉर्मेट पेंटर होता क्या एक्चुअली कि अगर हमने किसी अक्षर पे कोई सजावट दे रखी है और वही सजावट हम दूसरे पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो हम प्रयोग करते हैं किसका, फॉर्मेट पेंटर का। तो हम पहले जैसे मान लेते हैं ये ऊपर की दो लाइनों पर मैं कोई सजावट दे देता हूँ, जैसे मैंने इसको रेड कलर में कर दिया है और मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये कलर है रेड वो हमारी इस लाइन पे आ जाए और इस लाइन पे आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे इजिली, इसको हम ऐसे यहां से क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दूंगा। जब मैं फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं माउस का जो पॉइंटर है अब इस समय हमारा ब्रश बन के आ चुका है, ये देखिए, तो ये ब्रश बन के आ चुका है। अब मैं जिस लाइन को भी ऐसे सेलेक्ट करूंगा वो लाइन क्या होगा हमारा उसी रेड कलर में चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अभी जैसे हमारा ये बोल्ड रेड है वैसे ये भी बोल्ड रेड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर इसको किसी अन्य कलर में करते हूँ, जैसे कि मैंने इसको ब्लू कर दिया है, ब्लू शायद दिखाई दे रहा होगा मॉनिटर पर, तो अब इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ब्लू हो चुका है। इसको सेलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगा, दोबारा मैं इस लाइन को इस बार ब्लू करके दिखा देता हूँ, तो इसको जैसे ही हम इसको दोबारा ऐसे सेलेक्ट करेंगे ये क्या होगा हमारा ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप फॉर्मेट पेंटर भी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कैलिबरी बॉडी, तो ये हमारा एक होता है फॉन्ट, क्या होता है ये फॉन्ट होता है, यहाँ से हम लोग अपने फॉन्ट लैंग्वेज को चेंज करते हैं। जैसे हमें हिंदी में लिखना हो जाए तो हम यहाँ से कृति देव या भारतीय, आप देख सकते हैं ये भारतीय 10 है, अब भारतीय जो हमारा हो जाएगा तो यहाँ पे हम हिंदी में लिख सकते हैं कुछ भी चीजें। जैसे मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे लिखना है कंप्यूटर, तो हम कंप्यूटर भी आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर लिखने के लिए आपको पहले डी दबाना होगा जिससे का बनता है, आधा मा के लिए ई दबाना होगा आधा शिफ्ट के साथ, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को लिख दिया है, तो ये हमारा कंप्यूटर हो चुका। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि अपने जो भी जिस भाषा में भी जिस फॉन्ट में हमें लिखना होता है वो फॉन्ट यहाँ से चेंज करते हैं। तो मुझे लगता है ये फॉन्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो हिंदी के फॉन्ट लेंगे, इंग्लिश लिखना चाहेंगे तो इंग्लिश। जैसे एरियल ब्लैक में कर दिया हूँ इस बार, तो अब जो भी लिखाएगा वो इंग्लिश में लिखाएगा। अगर मुझे मान लेते हैं कंप्यूटर लिखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखा रहा है, तो यहाँ से हम लोग फॉन्ट चेंज कर देते हैं जो हिंदी और इंग्लिश जो भी हमें चाहिए। आगे हम देखेंगे यहाँ पर है हमारा फॉन्ट साइज, यानी ये क्या करता है कि जो भी हमारे लिखावट होते हैं उनके साइज को ये वहां से छोटा और बड़ा करता है। तो जैसे मान लेते हैं जो चीजें हमारी लिखी हुई हैं इनके साइज को हमें बड़ा करना है, तो मैं क्या करूंगा इसको सेलेक्ट करूंगा और ये सेलेक्ट हो गया है। अब सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कोई भी साइज यहाँ से चुनेंगे, आप देख सकते हैं मैंने साइज लिया 28, तो ये फॉन्ट साइज हमारा 28 हो गया। ध्यान रखें कि जो साइज हमारी होती है वो पॉइंट में होती है, तो ये हमारा 28 पॉइंट के बराबर हो चुका है एक अक्षर। तो ये हमारा अक्षर की साइज है, यहाँ से हम छोटा भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप छोटा हो गया, और छोटा करना चाहेंगे और छोटा हो जाएगा, और बड़ा करना चाहेंगे तो बड़ा भी हो जाएगा। हाँ, अगर जैसे प्रश्न आ रहे हैं कि इसमें साइज कितने से कितने तक होते हैं, तो यानी 8 से लेके 72 तक साइज मिल जाती है हमें, बट
अगर आपसे कोई पूछता है कि हम लोग एमएस वर्ड में अधिकतम कितने पॉइंट के बराबर अक्षर लिख सकते हैं, यानी मैक्सिमम साइज इसमें कितना होता है, तो मैक्सिमम साइज होता है 1638 पीटी यानी पॉइंट, यानी हम अपने अक्षर की साइज 1638 तक कर सकते हैं। जो कि पॉइंट में होता है तो पॉइंट में मैंने लिख दिया, आप नहीं लिखेंगे तो भी समझ जाएंगे लोग। तो यानी अक्षर की साइज जो होती है वो कम से कम एक, यहाँ पे लिख देते हैं चलिए, एक से हमारा होता है कितना 1638 पॉइंट तक, यानी कम से कम एक कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 1638। हाँ, इसमें मिलने की बात करें तो यहाँ पे 8 से लेके 72 तक हमें मिल जाते हैं। तो आपको फॉन्ट साइज जब भी छोटा या बड़ा करना हो तो आप यहाँ से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। देखिए मैंने कर लिया है यहाँ से। अब आगे हम देखते हैं, ये हमारा है ग्रो फॉन्ट, यानी कि इसका काम होता है इनक्रीज फॉन्ट साइज, यानी ये हमारे फॉन्ट को क्या करता है कि बड़ा करता है, यानी अक्षर की साइज को बड़ा करेगा। देख सकते हैं अब कितना बड़ा हो जा रहा है, और इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, साइज को छोटा करेगा। तो इसके माध्यम से हम साइज को बड़ा कर सकते हैं और इसके छोटा कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको छोटा और बड़ा करना आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, इसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉर्मेटिंग यानी सजावट, यानी अक्षर के ऊपर हमने जो भी इफेक्ट डाल रखे हैं, जैसे हमने ये सबको कलर कर दिया, यहाँ से मैं सबको कलर कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि इन सारे इफेक्ट को रिमूव करना है, मैंने बोल्ड कर रखा है तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे इफेक्ट रिमूव हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दूंगा। और आप देख सकते हैं जिस प्रकार हम अपने एमएस वर्ड को ओपन करने पर लिखते हैं उस प्रकार से हमारे में लिख के आ चुका है, तो इसको बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी अक्षर पे डाले गए सजावट को रिमूव कर देता है। देख सकते हैं अब कोई सजावट इस पर नहीं है, तो ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। अगला हमारा यहाँ पर है, देख सकते हैं बोल्ड है। बोल्ड क्या करता है कि अक्षर को ये मोटा करके दिखाता है, यानी इसका काम होता है कि अक्षर को मोटा कर देना। जैसे हमने इसको साइज को देखिए बढ़ा देता हूँ मैं, ये साइज हमारा बड़ा हो गया, मुझे इसको मोटा करना है। तो पहले क्या करना है कि जो भी मैटर आपका लिखा गया हो उसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लें, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्लिक कर देता हूँ इस पर बी, तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इफेक्ट आपको दिख रहा होगा, ये अक्षर हमारा मोटा हो गया है। इसी प्रकार से हम आगे, अगला ऑप्शन है हमारा देख लीजिए इटैलिक है, इससे अक्षर हमारा तिरछा हो जाता है। देख सकते हैं थोड़ा इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। ये है यू, यानी ये अंडरलाइन कर देता है, यानी आप देख सकते हैं कि अक्षर के नीचे इसने क्या कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। तो ये हमारा होता है कंट्रोल यू। हाँ, इनके इफेक्ट को हटाना है तो आप फिर से इनको सबको सेलेक्ट कर लें, और आप यहाँ पर यू हटाएंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा, आई हटाइएगा यानी आई पे क्लिक करिएगा तो इटैलिक हट जाएगा, बी पे क्लिक करिएगा तो बोल्ड हट जाएगा। तो मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा बोल्ड करने से थोड़ा हमें अच्छा दिख रहा है। अगला है स्ट्राइक थ्रो। ये क्या करता है कि लिखा हुआ है इसमें साफ साफ, ये बोलता है कि अगर आप जो भी लाइनें लिखे हैं उसके बीच में, यानी मिडिल लिखा हुआ है, बीच में अगर आप लाइन देना चाहते हैं तो हम प्रयोग करेंगे किसका, स्ट्राइक थ्रो का। इससे होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके कोई टेक्स्ट है जो पहले से लिखा हुआ है, संकेत के रूप में उसको डिलीट करना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहले हम यहाँ एंड नहीं चाह रहे थे, लेकिन एंड हमको लिखना पड़ा, तो मैं इसके स्थान पर कुछ और लिखना चाहता हूँ, या हम चाह रहे हैं कि ये पूरी जितनी भी लाइनें लिखी हैं सभी पैराग्राफ के लाइन के बीच में एक लाइन आ जाए, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए इस प्रकार से ये लाइन हमारे में कर देगा, तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अगला हमारा है यहाँ पर, इसको बोला जाता है सबस्क्रिप्ट। ये हमारा सबस्क्रिप्ट ऑप्शन है। इसका काम क्या होता है, बेसिकली जब हमें कहीं पे केमिस्ट्री के सूत्र लिखने हो, यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमें लाइन के नीचे हमारे टेक्स्ट को या नंबर्स को रखना होता है तो हम सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे लिखना है K2SO4, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। यहाँ पे मुझे लिखना है K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइस, या कोई भी आप सूत्र लिख सकते हैं, चाहे मैथमेटिकल हो, केमिस्ट्री के हो, जो भी हो। तो मुझे लिखना है यहाँ पे K2। अब 2 देखिए, K2SO4 लिखना है ऐसे। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये 2 है ये लाइन के नीचे हो जाए, तो मैं यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया, और इसको भी नीचे रखना है तो इसको भी सेलेक्ट किया और इस पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं अब ये दोनों हमारे जो टेक्स्ट हैं
यानी कंपोनेंट हैं ये आ गए हैं नीचे। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को लाइन के नीचे डाल सकते हैं, रख सकते हैं उसको। अगला हमारा इसमें है जिसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट। इसी का उल्टा होता है, इसने नीचे किया है और ये सुपर स्क्रिप्ट ऊपर करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमें कोई मैथमेटिकल सूत्र देना है, तो कैसे देंगे, तो हम जैसे यहाँ पे लिख देते हैं सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए कि इसमें आप जो भी देखेंगे अक्षर हमारे लिखे जा रहे हैं, तो मुझे इसको क्या करना है, नीचे करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मान लेते हैं कि मुझे करना है क्या है, कि हम चाह रहे हैं कि हमारा जो लिखावट है, ये लिखावट हमारा ये 2 ऊपर चला जाए, ये भी 2 ऊपर चला जाए। तो इसको सेलेक्ट करें सब और यहाँ सुपर स्किप पे क्लिक कर दें, इस पर भी क्लिक करें, सुपर स्किप पे क्लिक करें। देखिए सब एक एक आपके लाइन के ऊपर चले गए हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट और इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, यानी इसको लाइन के नीचे रखने के लिए और इसको लाइन के ऊपर ले जाने के लिए। अगला हमारा है चेंज केस ऑप्शन है। चेंज केस होता क्या है एक्चुअली, कि जैसे मान लीजिए हमारा ये जो लिखा हुआ है पैराग्राफ, ये हम इस पर केस अप्लाई करना चाहते हैं, तो केस यहाँ पे 5 मिलेंगे आपको, यानी ये टेक्स्ट केस हैं, तो यहाँ पे 5 केस आपको मिल जाने हैं। इसमें 5 केस में पहला ऑप्शन आपको मिलेगा सेंटेंस केस, यानी सेंटेंस केस क्या होता है कि आपके सेंटेंस के जो पहला वर्ड होगा उस पहले वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल, यानी आपके सेंटेंस में जो पहला अल्फाबेट लिखा गया होगा उसे ये कैपिटल करेगा, बाकी सबको स्मॉल। देख सकते हैं आपके पूरे पैराग्राफ में पहला जो अल्फाबेट है आपके, इसमें यल है, इसमें भी यल है, इसमें भी यल है, तो यल को केवल कैपिटल किया, बाकी सबको स्मॉल। तो ये होता है हमारा सेंटेंस केस। अगला हम लोग देखते हैं इसमें हमारा है लोअर केस। लोअर केस में सभी स्मॉल लेटर में हो जाने हैं, आप देख सकते हैं सभी स्मॉल में हो चुके हैं। अब हम इसमें करते हैं अपर केस, तो ये हो जाएगा सब कैपिटल लेटर में, आप देख सकते हैं सबके सब यहाँ पे कैपिटल हो चुके हैं। अब आगे हम करते हैं इसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल हो जाएगा और बाकी सब स्मॉल। देख सकते हैं लखनऊ का एल कैपिटल, कंप्यूटर का सी, एंड का ए, और टेक्निकल का टी, आई इंस्टीट्यूट का आर रोली का। तो ये होता है हमारा अपर के ईच कैपिटलाइज ईच वर्ड। अगला हमारा टॉगल केस, इसी कैपिटलाइज ईच वर्ड का उल्टा, ये आपके वर्ड का पहला अल्फाबेट स्मॉल रखेगा बाकी सबको कैपिटल। देख सकते हैं लखनऊ का आई एल स्मॉल किया है, कंप्यूटर का सी, तो देख सकते हैं आप लोग इफेक्ट इसका। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये हमारा, चलिए इसको मैं फिर से कर देता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका इफेक्ट भी अच्छा दिखता है। आगे हमारा ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी ये जितने लिखावट होते हैं, जैसे जो इम्पोर्टेंट लाइन होती है हम लोग कॉपी में भी लिखते समय क्या करते हैं, उसको किसी न किसी कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोग अक्षर पे कोई कलर का इफेक्ट देना चाहे, जैसे ये वाली लाइन पे हम कलर इफेक्ट देना चाहते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और ये देखिए आपके कलर के इफेक्ट आ रहे हैं सब, ठीक है। तो ये हमारा होता है हाईलाइटर। अगला हमारा है ये टेक्स्ट कलर है, फॉन्ट कलर जिसको बोला जाता है। तो मैं सब पे क्या करना चाहता हूँ, किसी भी कलर का इस पे यानी अक्षर पे कोई भी कलर डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कलर को सेलेक्ट करूंगा इस प्रकार से। देख सकते हैं सब कलर हो गए हमारे, ये देखिए हमारे ये नीचे वाले भी हमको करना है, इसको भी सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने क्या किया कोई भी कलर चूज कर लिया और उसी कलर में हमारा ये देख सकते हैं कि हमारा जो लिखावट है वो कलर हो चुका है। तो अगर हमें मैटर को सेलेक्ट करके यानी मैटर को कोई भी कलर करना तो सेलेक्ट करके ही करना पड़ेगा, बिना सेलेक्ट किए हुए हम कलर नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है। तो अब हम बात करते हैं इसमें बुलेट का। बुलेट क्या होता है एक्चुअली, अगर हम लोग अपने जितने भी लिखे गए पैराग्राफ होते हैं उन पैराग्राफ के
होम पर कोई बुलेट सिंबल लेना चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं, अपना मनपसंद बुलेट सिंबल आप यहाँ से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। देखिए तो मैंने यहाँ पे बुलेट सिंबल लगा दिया है। अगला हमारा है यहाँ पर नंबरिंग, अगर हम लोग नंबरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं कोई भी। देखिए तो यहाँ से मैंने नंबरिंग कर दिया। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा है लिस्टिंग, अगर हम लोग लिस्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है ये, जिसमें एक एक ऑप्शन में दो दो तीन तीन विकल्प दिए गए होते हैं तो वहाँ पे लिस्टिंग का चयन किया जाता है, तो यहाँ से आप लिस्टिंग कर सकते हैं। और ठीक इसके नीचे आइएगा तो ये पैराग्राफ अलाइनमेंट लेफ्ट है, यानी अगर हम बाएं तरफ से अक्षर को लिखना प्रारंभ करते हैं, जैसे हम इफेक्ट आपको दिखा देते हैं, ये भी हमारा देख सकते हैं अक्षर है, और हम चाह रहे हैं कि ये अक्षर अभी हम लिखेंगे अगर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि, तो ये बाईं तरफ से आपको लिखने को मिल रहा होगा ये देखिए, और मैं चाहता हूँ कि ये जितने अक्षर लिखे गए हैं अब ये बीच में हो जाए पेज के, यानी कि अलाइनमेंट सेंटर, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा ये बीच में हो जाएंगे, दाहिने साइड ले जाना होगा तो राइट कर देंगे। अब देखिए हम अक्षर को जब भी लिखेंगे अब यहाँ पे तो ये राइट से लिखाएंगे, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए बीच में से लिखना है तो आप क्या करें, आप अलाइनमेंट को बीच कर दें यहाँ से सेंटर, ये देखिए अब जो भी लिखेंगे बीच में से लिखाएंगे, तो ये होता है हमारा पैराग्राफ अलाइनमेंट। तो हम लोग इसको अगर हम चाह रहे हैं, देखिए ये जो चौथा वाला है जस्टिफाइज को बोलते हैं, जस्टिफाई का मतलब कि जिस प्रकार से शुरुआत होने पर हमारा पैराग्राफ अलाइनमेंट सेट होता है उस अवस्था में, तो लेफ्ट से शुरुआत होता तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये लेफ्ट में भेज देगा हमारे टेक्स्ट को। फिर उसके बाद हम यहाँ ऊपर देखते हैं, इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट और ये होता है इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है इसी को इंडेंट बोलते हैं, यानी इंडेंट ये निर्धारित करता है कि हमारे अक्षर को कहाँ से लिखना चालू करना है, तो इंडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर है तो इसके सीध से हमारा यहाँ पे अक्षर लिखना चालू कर रहा है। ये देखिए हम कुछ भी लिख करके लिख रहे हैं तो ये देखिए वहीं से लिखना चालू कर रहा है ये इस प्रकार से। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से लिखना चालू करें, ठीक है, तो इंडेंट को यहाँ से मैं बढ़ा दूंगा, ये देखिए अब यहाँ से यानी जब भी मैं लिखूंगा तो यहीं से लिखेगा, इसके इधर लिखेगा ही नहीं, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ अब उधर नहीं जाएगा, ये कभी भी नहीं जा सकता। हाँ लेकर जाना है तो अब क्या करें, इंडेंट को यहाँ से डिक्रीज कर दें, यानी जब भी इंडेंट को इंक्रीज किया जाएगा तो ये जहाँ पे हो जाएगा वहीं से अक्षर लिखना चालू करेगा, अब यहाँ पे आ गया है तो यहाँ से अक्षर लिखना चालू करेगा, तो इसको बोलते हैं इंडेंट। ठीक है, ये इंडेंट के इंक्रीज यानी इंडेंट की स्पेसिंग को ये कम करता और ये ज्यादा करता है। ठीक, उसके नीचे आएंगे तो इसको बोला जाता है, जैसे मैं नीचे का ये मिटा देता हूँ, ये है अगला हमारा है पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग है, सॉरी लाइन स्पेसिंग। तो हम लाइन स्पेसिंग एक्चुअली होता क्या है कि जो लिखी गई लाइन होती है उसके बीच की जो स्पेसिंग यानी कि दूरियां होती है लाइन टू लाइन के बीच की, उसको कम या ज्यादा करने के लिए। तो जैसे मान लेते हैं ये लिखा हुआ, अब इसकी दूरी जो है लाइन टू लाइन के बीच की डिस्टेंस वो कम है, तो यहाँ से हम क्लिक करके इसको बढ़ा सकते हैं, देखिए ये हमारे स्पेसिंग को कम और अधिक करता है, तो मैं अब कम कर देता हूँ इस प्रकार से और थोड़ा कर देता हूँ इतना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। थोड़ा सा मैं यहाँ से साइज को भी बड़ा कर सकता हूँ। अब मान लेते हैं ये आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा होता है शेडिंग, शेडिंग का मतलब होता है छाया। मान लेते हैं कि हमारा ये जो अक्षर लिखा गया है इस पूरे पैराग्राफ के एरिए में मैं छाया देना चाहता हूँ किसी भी कलर का, तो पहले जरूरी है कि आप उसको सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से शेडिंग कलर कोई चूज कर लें, तो आप देख सकते हैं जितना हमारा लिखावट है उस पर शेडिंग कलर आ रहा है, ये देखिए ये हमारा होता है शेडिंग कलर। तो मैं शेडिंग कलर को हटा देता हूँ, हटाने के लिए दोबारा यहाँ से जाके नन मार देना है। अगला हमारा है यहाँ पर बॉर्डर है, तो आप इसको इसे सेलेक्ट कर लें या नहीं करते हैं तो भी हो जाना है आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ये है बॉटम, मतलब जहाँ पे पैराग्राफ यानी जितना मैंने लिखा है उसके नीचे आप बॉर्डर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप बॉटम पे क्लिक कर दो, ये देखिए बॉर्डर आ गया। ऊपर सबसे बनानी है तो आप ऊपर बना सकते हो, देखिए टॉप ले लो, दाएं बनाना है तो राइट ले लो, बाएं बनाना है तो लेफ्ट ले लो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लेफ्ट राइट और जहां भी जाते हैं वहां
वाटर बना सकते हैं, तो इसको सब हटा सकते हैं आप। अगला हमारा है ये है, इसको बोलते हैं स्टाइल, यानी ये हमारे जो लिखावट होते हैं पहले सेलेक्ट कर लेना रहेगा, उसके बाद यहाँ से आप जो भी स्टाइल लेते हैं उसी स्टाइल में आपके जो भी टेक्स्ट लिखे गए होते हैं वो सेट हो जाते हैं। ये देखिए ये सब स्टाइल है, चेंज हो रहा है जैसे जैसे मैं किसी स्टाइल पे लेकर जा रहा हूँ, उसका इफेक्ट नीचे डॉक्यूमेंट में दिखाई दे रहा है। ये देखिए तो ये इस स्टाइल में हमारा डॉक्यूमेंट सेट हो गया। दोबारा मैं अपना मनपसंद कलर यहाँ से ले सकता हूँ, जो हमारी इच्छा करेगी, ये मैंने रेड कर लिया, तो इसको बोलते हैं स्टाइल। जो स्टाइल इसमें आप ले लेंगे उसी स्टाइल में आपका डॉक्यूमेंट हो जाना है, ठीक है। अगला हमारा यहाँ पे है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है खोजना, यानी जैसे मान लेते हैं ये हमारा डॉक्यूमेंट है और इसमें कुछ लिखा गया हो उसे मुझे खोजना है, तो आप क्या करें, फाइंड पे आप क्लिक करें। जैसे मान लेते हैं कि फाइंड में मुझे रुधौली खोजना है, तो हम यहाँ पे रुधौली, अगर मुझे मान लेते हैं कि लखनऊ है या एंड लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एंड खोजना चाहता हूँ तो मैं एंड कर देता हूँ, और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट कर रहा है, यहाँ एंड लिखा है, अब यहाँ एंड लिखा है, यहाँ एंड लिखा है। सपोज दैट मुझे एंड के स्थान पे एंड का सिंबल देना है, तो हमारे पास यहाँ देखिए रिप्लेस लिखा है, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं एंड का सिंबल कर देता हूँ। ये देखिए अब एंड रिप्लेस करूंगा तो एक एंड चेंज हुआ, रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, जितने जगह पे एंड लिखा हुआ वहां पे सब सिंबल हो जाना है, तो मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। ये देखिए जितने जगह पे एंड लिखा था अब सब जगह पे क्या आ चुका है, एंड के सिंबल, तो इसको बोलते हैं रिप्लेस। आगे चलते हैं, हमारा इसमें एक मिल जाता है गो टू। गो टू क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कई सारे पेज हो जाएं, हम यहाँ से पेज ले लेते हैं, देखिए हमारे पास पेज की संख्या हो गई है 4, यहाँ से हम थंबनेल्स में भी शो कर सकते हैं। चौथे पेज पे चल रहे हैं और हमें मुझे पेज नंबर फर्स्ट पे जाना है, तो कैसे जाएंगे हम लोग, तो उसके लिए हम गो टू जाएंगे, यहाँ से गो टू और यहाँ पे पेज की संख्या टाइप कर देंगे 1, यहाँ पेज लेंगे, इधर साइज कर देंगे 1, गो टू। अब पहले पेज पे आ गए, अब सपोज दैट पहले पेज के चौथे लाइन पे आना है, तो यहाँ लाइन नंबर फर्स्ट पे है, चौथे पे आना है, तो गो टू जाएंगे और लाइन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे लाइन नंबर 4, या 5 पे जाना तो 5 कर देंगे और गो टू पे क्लिक करूंगा। अब देखिए लाइन नंबर 5 पे हम लोग आ चुके हैं, तो इसको बोलते हैं गो टू। लास्ट इसमें हमारा है सेलेक्ट ऑल। जैसे मान लेते हैं कि मुझे इस पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार में सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दूंगा। अब ये देखिए हमारा ये सिलेक्शन कम्प्लीटली हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपका अगर कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट में दे सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम पूरा पूरा कोशिश करेंगे कि आपके इस कमेंट का हम रिप्लाई दे सकें, और ज़रूर देंगे अगर आप कमेंट करते हैं। तो मैं अब वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ, चूँकि वीडियो लॉन्ग भी हो चुकी है, एक ऑप्शन चूंकि किया गया है इसमें, तो अब मैं यहीं पे वीडियो को खत्म कर देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।